गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शाइन विद सरिता पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे हमें बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इसका मतलब यह है कि इंक्लूसिव टीचर्स आते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, इंक्लूड इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स। तो हमें पता है कि इंक्लूसिव यानी समावेशी, जहां पर हम सबको शामिल करते हैं, यानी विभिन्नता को भी हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज, हमें क्या चेंज करना है, सिस्टम को चेंज करना है टू फिट द चाइल्ड, बच्चे के अनुसार हमें सिस्टम को बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आता है विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे कम जो है वो क्या इम्पोर्टेंट होता है एक टीचर के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। टीचर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो अमीर है गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है, लीस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, क्या चाहिए सक्सेसफुल इंक्लूजन में, तो हमें चाहिए सेंसिटाइजेशन, यानी कि वो सेंसिटिव होना चाहिए, उसमें हमें दूसरे की जो एम्पैथी है उसको हमें फील करना, हमें एम्पैथी होनी चाहिए। नेक्स्ट है NIVH इज कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन हु आर, NIVH जो है वो किससे कंसर्न है, वो है विजुअली इम्पेयर्ड से, जिनको दिखाई नहीं देता, ऐसे बच्चों से ये जो है ये कंसर्न है। NIVH का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते उससे ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन दैट, जो बच्चे पढ़ने में असक्षम है वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों से किस तरह से डिफरेंट है, तो उसकी कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है। दे हैव यूजुअली एवरेज इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा पढ़ने में असक्षम है और मेंटली रिटार्डेड है, उन दोनों में क्या होगा, इंटेलिजेंस जो है उनका वो एवरेज मिलता है हमें। दे आर एबल टू लर्न इन मोस्ट एरियाज, वो ज्यादातर एरियाज में समझ नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते। दे हैव लर्निंग डिफिकल्टी इन वन एरिया, एक एरिया में उन्हें समझने में दिक्कत होती है। ये सारी चीजें हैं जो लर्निंग डिसेबल्ड को मेंटली रिटार्डेड बच्चों से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पे हमें स्पेशल एजुकेशन के सबसे सही अर्थ को बताना है। तो सबसे सही अर्थ क्या है, कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, नहीं, लो अचीविंग चिल्ड्रन है, नहीं, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी स्पेशल एजुकेशन का मतलब है कि ऐसे बच्चे जिनकी जरूरतें हैं वो थोड़ी सी खास है, उसको हम स्पेशल एजुकेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉरी इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेंज इज, क्या रेंज होती है, तो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनकी आईक्यू की रेंज होती है 30 to 75। चलिए CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनको कुछ खास जरूरतें हैं। इंक्लूसिव प्रोग्राम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंक्लूसिव प्रोग्राम, हमें यहाँ बताना है कि नीचे दिए गए चार कंडीशंस में से कौन सी है जो नहीं है डिस्क्रिप्शन इंक्लूसिव प्रोग्राम का। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोशल इंक्लूजन विद चिल्ड्रन इन सेग्रेटेड क्लासरूम हु हैव कॉन्टेक्ट विद चिल्ड्रन इन नॉन सेग्रेटेड क्लासरूम्स, रिवर्स इंक्लूजन विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड टूगेदर विद चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर विद स्पेशल एजुकेशन स्टाफ इन ए सेंट्रल लोकेशन,
और क्लस्टर इंक्लूजन वेयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज रिसीव सपोर्ट इन ए जनरल एजुकेशन क्लासरूम फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन स्टाफ। तो ये जो तीन कंडीशन हम देख रहे हैं, इन तीनों में ही हमें इंक्लूसिव प्रोग्राम है उसकी झलक मिलती है। लेकिन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर विद स्पेशल एजुकेशन स्टाफ इन ए सेंट्रल लोकेशन, यानी कि हम उनको सबसे अलग रख रहे हैं, ये इंक्लूसिव प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता है। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंक्लूसिव एजुकेशन की ही ये टैगलाइन है कि शिक्षा है वो सभी के लिए है, सभी स्कूल्स में है। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। अ क्रिएटिव स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। आप क्रिएटिव बच्चे को कैसे पहचानोगे? गिविंग करेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन, एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडियाज, आर्ग्यूइंग विद अदर्स, सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। तो जब बात क्रिएशन की होती है तो हमें ये याद रखना है कि क्रिएशन हमेशा कैसा होता है, ओरिजिनल होता है, कॉपीड नहीं होता। तो एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडियाज ऑन द प्रॉब्लम है ये क्रिएटिव स्टूडेंट्स की पहचान है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईईडी? प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर ऑल द डिसेबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पर्सन विद डिसेबिलिटीज Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act was introduced in the year 1995 में ये जो एक्ट है ये आया, जिसमें ये कहा गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उसको पूरी उतने ही अधिकार हैं, अवसर हैं अपने राइट्स के लिए, उसका प्रोटेक्शन का अधिकार है उसके पास, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का अधिकार है उसको, और वो फुल पार्टिसिपेशन कर सकता है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विद प्रॉब्लम इन रीडिंग। जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, शब्दों की पहचान जो अच्छे से नहीं आते, उसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। लर्निंग डिसएबिलिटीज में ऑक्योर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके इसको छोड़कर बाकी सब हैं वो कारण है लर्निंग डिसएबिलिटीज के। क्या क्या? सेरेब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर डिस्टर्बेंस और कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी? तो मैथमेटिक्स को हम कहते हैं कैलकुलस, और मैथमेटिक्स रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। The full form of IED is Integrated Education for the Disabled. The full form of RCI, Rehabilitation Council of Education. और last question की बात करते हैं। Centrally sponsored scheme of Integrated Education for Disabled Children aims at providing educational opportunities to children with disabilities in स्पेशल स्कूल्स, ओपन स्कूल्स, रेगुलर स्कूल्स, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स। तो रेगुलर स्कूल्स में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उसका एम है कि बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो मिले, कहाँ मिले? रेगुलर स्कूल्स में मिले। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे डिस्कस करेंगे कुछ और इंक्लूसिव एजुकेशन के MCQs.